राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान ब्लॉस ने कहा है कि चीफ इनिशिएटिव्स पर रोजाना की सेक्रेटरी के बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान ब्लॉस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के 20 इनिशिएटिव्स पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाए। ये बात इन्होंने अफसरान की कारकर्दगी के बारे में जायजा इजलास के दौरान खिताब करते हुए कही। उन्होंने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को हदायत की है कि सीवरेज के तमाम खुले मेन होल्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए, सफाई के निजाम को बेहतर किया जाए, वॉल चेकिंग फौरी खात्मा किया जाए, बगैर इजाजत वॉल चेकिंग करने वालों को पाबंद सलासल किया जाएगा। इजलास में बिल बोर्ड्स, स्कूलों के नजदीक जेब्रा क्रॉसिंग, जाली पैरों का खात्मा, धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों का चलान और दीगर अमूर को जेर बहस लाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत और एजुकेशन के अफसरान को हदायत की है कि इमारतों पर वाइट वॉश किया जाए और ज़रूरी मरम्मती की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर मनोअन अमल करवाया जाए। मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद आफ्ताब, असिस्टेंट कमिश्नर फरहान मुश्तबा, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और दीगर मुतलिका अफसरान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजनपुर, ग्रेट न्यूज़ साजिश शफीक।